अस्सलाम वालेकुम। वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम बहुत सादा और आसान तरीके से गाजर का मुरब्बा बनाने वाले हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने आधा किलो गाजर ली है, 1/4 कप पानी है और 1 कप चीनी का। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ इलायची के बीज हैं जिन्हें मैंने निकाल लिया था। आप इस चाहें तो इसको पीस कर पाउडर भी बना सकते हैं या साबुत भी डाल सकते हैं। और 1 लीमू का जूस जो मैंने पहले से ही निकाल कर इसमें रख लिया है। सबसे पहले हम कांटे की मदद से गाजरों पर निशान लगा लेंगे। इन्हें अच्छी तरह से प्रेस कर कर के लगाना है ताकि जब हम इसे पकाएं तो शीरा इनमें अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। मैंने गाजरों को अच्छी तरह से धोने के बाद छील लिया था और फिर इनके पीसेस कर लिए हैं। अगर तो पतली गाजरें हैं तो इन्हें दरमियान से ना काटें, अगर थोड़ी सी मोटी हैं तो इनके दरमियान से काट के 2-2 पीसेस कर लें ताकि ये अच्छे से गल जाए। सारी गाजरों को इस तरह करने के बाद अब हम एक पैन में पानी और चीनी ऐड करेंगे और इसके बाद इसे चूल्हे पर चढ़ा देंगे। हमने इसे मीडियम फ्लेम पर इतनी देर तक पकाना है जब तक चीनी इसमें अच्छी तरह से घुल ना जाए। चीनी पानी में अच्छी तरह से डिजोल्व हो चुकी है। अब हम इसके बाद इसमें इलायची के दाने डालेंगे और इसके बाद गाजर डालकर इन्हें चम्मच की मदद से उलट पुलट कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसमें शीरा जज्ब होना शुरू हो जाए। गाजरों को उलट पुलट करने के बाद अब हम इसे कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे। हमें इसे लो फ्लेम पर पकाना है ताकि गाजरें अच्छे से गल जाएं। दस मिनट गुजरने के बाद हम ढक्कन उठाकर इसे फिर उलट पुलट कर देंगे ताकि ये दोनों साइडों से अच्छी तरह से गल जाए। इसके बाद कवर करके फिर मज़ीद 10 मिनट और पकाएंगे और फिर इसके बाद फिर चेक करेंगे कि गाजरें हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं कि नहीं। हमने इसे इतनी देर तक पकाना है जब तक कि गाजरें सॉफ्ट नहीं हो जाती। हमारी गाजरें काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी हैं। इसके बाद हम फ्लेम को तेज़ कर लेंगे और तेज़ आंच पर शीरे को गाढ़ा करेंगे। हमें सिर्फ हल्की आंच उस वक्त तक करनी है जब तक कि गाजरें सॉफ्ट ना हो जाएं। अब चम्मच भी हिलाते रहना है और चेक करना है कि शीरा हमें जितना गाढ़ा चाहिए उतना ही हमने इसे गाढ़ा करना है। मैंने जब शीरे को स्पैचुला से चेक किया तो इसके ड्रॉप्स तेज़ी से गिर रहे थे, लेकिन हमें इतना गाढ़ा चाहिए कि ड्रॉप्स बिल्कुल स्लो स्लो गिरे। इस टाइम हमारे ड्रॉप्स बहुत स्लो स्लो गिर रहे हैं काफ़ी देर के बाद। तो अब हम इसमें लीमू का जूस ऐड करेंगे जो तकरीबन 2 चम्मच के करीब है। 1 लीमू में से 2 चम्मच के करीब निकल आया था, काफ़ी जूसी लीमू था इसलिए 1 लीमू ही इस्तेमाल किया। इसके बाद ज़ाफ़रान ऐड करेंगे। ज़ाफ़रान टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड कर लें वरना स्किप भी कर सकते हैं। हमारी गाजरें भी अच्छी तरह से गल चुकी हैं और शीरा भी गाढ़ा हो चुका है, तो इस टाइम हम अब चूल्हा बंद कर देंगे। हमारा मज़ेदार सा मुरब्बा रेडी हो चुका है। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखें। बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है और ये नज़र के लिए बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर होती है वो इसे ज़रूर खाएं और अपने बच्चों को भी ज़रूर दें। खाने के बाद अक्सर मीठा खाने को दिल करता है तो आप इसी तरह मुरब्बा बनाकर रख लें, किसी जार में रख लें, तो इसे कुछ भी नहीं होगा। आजकल सर्दियां हैं तो सर्दियों में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। हमारी मज़ेदार आसान और हेल्दी रेसिपी रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखें और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप इसे किसी एयर टाइट जार में भी स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद आप बेशक फ्रिज में रखें, बेशक आप बाहर रखें, कुछ भी नहीं होगा इसे। उम्मीद है कि आपको ये मेरी आज की सादा और आसान सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुश रहें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और अपना और अपने इर्द गिर्द सबका ख्याल रखें। अब इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं किसी आसान और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।